आजकल जब भी हम कुछ खरीदना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग। चाहे कपड़े हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर ग्रोसरी, सब कुछ मिलता है ऑनलाइन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के बीच एक छोटी सी चीज है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, वो है GST रजिस्ट्रेशन। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस चलाते हैं या शुरू करने का सोच रहे हैं, तो GST रजिस्ट्रेशन के बिना आपका बिजनेस इनकम्प्लीट है। तो मैं अंजलि मिश्रा आपके लिए कॉबिज के साथ इसी प्रोसेस के ऊपर पूरी जानकारी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं रोहन की। रोहन एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू करना चाहता था जिसमें वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेच सके। सब कुछ रेडी था, प्रोडक्ट, वेबसाइट, पेमेंट गेटवे, सब कुछ। लेकिन जब उसने अपना पहला ऑर्डर का इनवॉइस जनरेट करना चाहा, तब एक प्रॉब्लम सामने आई। इनवॉइस कैसे बनाया जाए बिना GST नंबर के? उसने सोचा छोटा सा बिजनेस है, GST की क्या ही जरूरत। लेकिन ये सोचना उसके लिए एक बड़ी गलती बन गई। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि छोटे बिजनेसेस को GST की जरूरत नहीं होती। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो GST रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। बिना इसके ना तो आप अपना बिजनेस लेजिटिमेटाइज कर पाएंगे, ना ही बड़े मार्केट प्लेसेस जैसे Amazon या Flipkart में अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेहा की। नेहा ने अपना ई कॉमर्स बिजनेस कुछ साल पहले शुरू किया था और उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। लेकिन जब उसने अपना बिजनेस एक्सपैंड करने का सोचा और नेशन वाइड डिलीवरी स्टार्ट की, तो एक प्रॉब्लम सामने आई। GST कॉम्प्लायंस। जो स्टेट में उसका GST रजिस्ट्रेशन नहीं था, वहां पर उसका बिजनेस ऑपरेशन फेल करने लगा। टैक्स अथॉरिटीज ने भी इश्यू रेज करना शुरू कर दिया और उसका बिजनेस ग्रो होने के बजाय और कॉम्प्लेक्सिटीज में उलझ गया। ये समझना जरूरी है कि GST रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि आपके बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ई कॉमर्स बिजनेस नेशन वाइड या फिर ग्लोबली ऑपरेट करे, तो GST रजिस्ट्रेशन मस्ट है। ये आपके कस्टमर्स के लिए भी ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करता है कि आप एक जेन्युइन और कॉम्प्लायंट बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपको GST रजिस्ट्रेशन से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपका बिजनेस एक लीगल एंटिटी के रूप में सामने आता है। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जो आपके टैक्स बर्डन को रिड्यूस करता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप किसी भी बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस बेच सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। और अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस चलाते हैं या शुरू करने का सोच रहे हैं, तो GST रजिस्ट्रेशन को इग्नोर मत करिए। ये आपके बिजनेस की ग्रोथ का एक एसेंशियल स्टेप है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब कैसे मैनेज करें, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉबिज के एक्सपर्ट्स आपको GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे, ताकि आप बिना किसी हैसल के अपना बिजनेस स्मूथली ऑपरेट कर सकें। चलिए मिलकर अपने ई कॉमर्स बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। कॉबिज के साथ कनेक्ट करिए और आज ही अपने GST रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करवाइए।